हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी 143 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया है। साथ में ही जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं रिसेंटली, अभी वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। वीडियो के अंत में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जो करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 144 डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जो कि आपका जनवरी 2022 में आयोजित किया गया था, इसके बारे में हम देखेंगे और इसमें किसने जीता था वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस न्यूज को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। साथ में हम सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की हिस्ट्री भी देखेंगे, कब ये स्टार्ट हुआ था इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में जो भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और चलते हैं पहली स्लाइड पर। सबसे पहले बात की जा रही है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, बैड कब आयोजित किया गया था। सैयद मोदी इंटरनेशनल टेनिस बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो आपका ये आयोजित किया गया था, ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आपका आयोजित किया गया था, बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था, जहां पर कि टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट इंडियन बैडमिंटन पीवी सिंधु ने जो है यहां पे सैयद मोदी इंटरनेशनल 2022 का खिताब जीता है। किसको डिफीट करके जीता है इन्होंने, अपने ही देश की हमवतन मालविका, इंडिया की मालविका वंशोत को हराकर यहाँ पे 21-13 और 21-16 से हराकर यहाँ पे सेकंड टाइम्स जो है वहां पे पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। वहीं बात की जाए पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु का ये दूसरा सैयद मोदी खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2017 में भी इस बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बेस्ट टू सुपर 300 टूर्नामेंट का खिताब जीता था। तो ये पीवी सिंधु का जो है वो आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का सेकंड खिताब है। इससे पहले इन्होंने 2017 में ये खिताब जीता था। तो ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे याद रखने हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट क्या हैगा। तो इट हैज बीन नेम्ड, इसका नाम सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किसके नाम पर रखा गया है, आफ्टर सैयद मोदी। सैयद मोदी कौन थे, सैयद मोदी इज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थे जो उन्होंने की नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 8 टाइम्स जो है उन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। वहीं बात की जाए ही हैज ऑल्सो वॉन्स द ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, यूरोपियन इंटरनेशनल टूर्नामेंट एंड यूएसएसआर इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता था। इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। द टूर्नामेंट वॉज इनोग्रेटेड इन 2003 में जो इसको इनोग्रेट किया गया था सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को एज ए नेशनल टूर्नामेंट के रूप में इसको खेला जाता था। 2003 से स्टार्ट हुआ था। 2004 में इट वॉज कंडक्टेड इंटरनेशनल, इसको अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 2004 में इसको कन्वर्ट किया गया था। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इज एन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट विच इज हेल्ड एनुअली इन इंडिया। इन 2009 इट वॉज टर्न इन टू बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ग्रांड प्रिक्स इवेंट 2019-9 में इसका नाम करके चेंज कर दिया गया, जिसको अब बीडब्ल्यूएफ ग्रांड प्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। करेंटली द सैयद मोदी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइज बाय बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात की जाए तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो फाउंड हुआ था वो 1934 में हुआ था। उसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो आपका आयरलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और वेल्स जो थे इसके फाउंडर थे। इट वॉज स्टार्टिंग में इसका नाम जो था वो आपका इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन था। इट वॉज फाउंडेड एज द इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन इन IBF इन 1981। द IBF इसके बाद जो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड फेडरेशन मर्ज हो गया वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन और इसका नया नाम पड़ा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हमको इसके सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में याद रखने। तो ये ऑल अबाउट था आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो 2022 जो कि पीवी सिंधु ने जीता है। अब इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बन सकता है कि वुमेन्स सिंगल्स का बैडमिंटन खिताब सैयद मोदी इंटरनेशनल
बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये आपका जीता है किसने, पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने जो जीता है, जो दो टाइम ओलंपिक विनर है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, इन्होंने जो है वो आपका पीवी सिंधु ने यहाँ पे जीता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसको हरा के जीता है, तो इन्होंने इंडिया की मालविका बंसोद को हराकर यहाँ पे आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एस्थेटिक जीके से रिलेटेड, कि आपका बैडमिंटन जो आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो किसके द्वारा आयोजित, बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो किसके द्वारा आपका आयोजित किया जाता है, तो ये आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। स्टार्टिंग में ये नेशनली आयोजित किया गया था 2003 में, 2004 में इसको इंटरनेशनली कन्वर्ट हुआ था, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और यही मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं। साथ में हमने स्टैटिक जीके का पार्ट भी देखा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में। तो ये ऑल अबाउट था आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो डालेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।